ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 5 बेलपत्र के ऐसे उपाय, जिन उपायों को करने से आपके बुरे दिन, आपके घर की दरिद्रता, आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा, आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि सभी हमेशा के लिए बनी रहें। तो ये 5 उपाय बेलपत्र के आपको अपने जीवन में ज़रूर 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 करना चाहिए। तो विस्तार से आज जानते हैं इन उपायों को, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है मेरा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें, और अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस लागू है। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है कि आप भगवान भोलेनाथ का जल से रोज अभिषेक करने के बाद एक बेलपत्र चढ़ाएं। एक बेलपत्र चढ़ाने के बाद उस बेलपत्र को अपने पास पर्स में हमेशा रखें। ये एक ही बार करना है कि शिव जी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, या तो किसी ज्योतिर्लिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, या अपने घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ पे चढ़ा हुआ बेलपत्र जरूर अपने पर्स में अपने पास रखें, उसकी आभा अलग ही होती है। दूसरा उपाय है कि आप रेगुलरली 7 दिनों तक या 21 दिनों तक एक ही संख्या में भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाएं। जैसे 21, 11, 1, 7, 13, 14, जो एक ही संख्या में चढ़ाएं, रोज भोलेनाथ का जल से अभिषेक करें और उस संख्या में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से राहु और जितने सारे नेगेटिव ग्रह हैं वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देंगे। तीसरा है कि जब कभी भी किसी भी शिव मंदिर में जाएँ आप, तो वहाँ से 2 बेलपत्र या 11 बेलपत्र वहाँ से लेकर चढ़ी हुई बेलपत्र को किसी और मंदिर में चढ़ाएं, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। ओम नमः शिवाय।